मंडला शहर में हो रही लगातार चोरियों का हुआ खुलासा। आरोपी निकले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के। मंडला शहर में हो रही लगातार चोरियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली नीलेश दोहरे के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जो कि उमेश यादव निवासी शक्ति नगर मंडला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि जो 7 अक्टूबर को अपने घर जबलपुर गया था और 13 अक्टूबर को जब घर वापस आया देखा तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर सामान अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। आलमारी का लॉक टूटा था। बाहर के 2 CCTV कैमरे टूटे हुए थे। आलमारी के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर व नकदी रुपए तथा अन्य दस्तावेज किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। मामले की विवेचना करते हुए थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक राजेंद्र पवार एवं उपनिरीक्षक संजय जायसवाल तथा फरियादी स्वयं के सहयोग से शहर एवं शहर के दुकानदारों के CCTV फुटेज खंगाले गए, जो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने आखिरकार झंडा चौक राजीव कॉलोनी देवदरा में किराए से रह रहे बादल रॉय पिता संजीत रॉय निवासी कालामुद्दोपारा थाना बलंगगीर जिला बलंगगीर उड़ीसा से पूछताछ की गई तथा CCTV फुटेज के द्वारा अपने सौतेला भाई बुलेट उर्फ फारिकुल इस्लाम निवासी पश्चिम बंगाल के साथ चोरी करना बताया, जिस पर फरियादी उमेश यादव के घर से चोरी हुआ नकदी 1,05,000 रुपए, 2 CCTV कैमरे जो तोड़कर ले गए थे। घटना के वक्त पहने कपड़े एवं मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD डॉन जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के द्वारा अन्य चोरियों के संबंध में एवं शहर के अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी जिस मकान में किराए से रह रहे थे उनके किराएदारों की भी संदिग्ध भूमिका के संबंध में पूछताछ की जा रही है तथा पूछताछ पर शहर के व्यापारियों से माल लेकर व्यापार करना बताया है, जिसके संबंध में भी पूछताछ जारी है। आरोपी बुलेट के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ पर पता चला कि उक्त आरोपियों ने पूर्व में छत्तीसगढ़ जिला धमतरी में भी कई चोरियां कर चुके हैं और जेल में बंद रह चुके हैं। शहर में लगातार हो रही चोरियों को श्रीमान SP महोदय ने गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना प्रभारी थाने के टीम को गठित किया गया, जिसमें अभी हाल में इस माह के दूसरे हफ्ते में सब इंस्पेक्टर उमेश यादव के यहाँ चोरी हुई थी, जिसको सब इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार और सब इंस्पेक्टर संजय जायसवाल द्वारा शहर में लगे सारे CCTV फुटेज खंगाले गए, चेक किए गए, जिस पर एक संदेही मिला, बादल रॉय। ये मूल रूप से उड़ीसा का निवासी है, जो यहाँ पे राजीव कॉलोनी में किराए से रह रहा था। जब उसको लाके पूछताछ की गई तो मालूम चला कि वो और उसका भाई बुलेट दोनों ने मिलकर उनके यहाँ चोरी की थी और उनके यहाँ चोरी किया हुआ 1,05,000 रुपये और 2 कैमरे जो उनके यहाँ लगे थे चुराए थे और कुछ दस्तावेज और कुछ चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो मकान जिनके यहाँ रुके थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अगर आपके पास भी कोई समाचार या वीडियो है तो आप हमें भेजें, संपर्क करें। विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर, न्यूज विटनेस, मोबाइल 9407091560। देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज विटनेस और रहे पल पल की खबरों से अपडेट।